शिक्षार्थियों आप सबका स्वागत है आप सबको मालूम है कि एन का क्या रोल है क्या भूमिका है और कैसे एन आई शिक्षा के जगत में एक लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है बड़े बड़े माइल को क्रॉस किया है तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें क्योंकि अभी तक जो शिक्षा उपलब्ध है हमारे देश के अंदर उसमें सामान्य शिक्षा की बात होती है कि हमने टेंथ कर लिया ट्वेल्थ कर लिया हमने आठवीं कर ली नौवीं कर ली दसवीं कर ली लेकिन जहां पर हम मिस कर रहे थे वो हमारा है वोकेशनल एजुकेशन तो हम यहाँ ये देखेंगे आ, कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकें एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज को क्योंकि कई बार क्या होता था पहले कि वो कोर्स करने के बाद हम वोकेशनल कोर्स की तरफ मूव करते थे लेकिन नहीं ऐसा नीतियों के आधार पर देखा गया है कि एकेडमिक के साथ साथ जो है हमें वोकेशनल कोर्सेज़ के ऊपर ही फोकस करना है क्योंकि कि एक बच्चा एक शिक्षार्थी जो दसवीं बारहवीं करे तो उसके पास कुछ ऐसी नॉलेज हो कुछ ऐसे स्किल्स हो कुछ ऐसे एफिशिएंसीज हो जिससे कि वो रोज़गार की दिशा में अपना कदम बढ़ा सके और ये हमारा एकेडमिक्स और वोकेशनल के बीच में कोई वैरियर ना रहे इसलिए इसके इंटीग्रेशन की बात की गई है आइए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें और थोड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करें फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द पॉलिसी एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी रिकॉमेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन टू एजुकेशन ऑफरिंग्स ऑफ ऑल सेकेंडरी स्कूल्स इन अ फेस्ड मैनर जो वोकेशनल कोर्सेज हैं कैसे उसको स्कूल एकेडमिक कोर्सेज का एक हिस्सा बनाया जाए इसके बारे में एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसकी चर्चा किया है इन ऑर्डर टू मूव इन सिंग विद द एन टू एक्यूब द लर्नर्स विद ए स्किल अलोंग विद एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि केवल वो जनरल एजुकेशन ही लेकर शिक्षा प्राप्त करेगा हम जनरल एजुकेशन के साथ कुछ ऐसे प्रोविजन्स डालेंगे जिसमें कि वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कुछ स्किल्स एंड एफिशिएंसी को डेवलप करे और इतना सक्षम हो इतना कैपेबल हो कि वो अर्न कर सके दसवीं बारहवीं करने के बाद भी उसे ये ना लगे कि हाँ हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करना है और तब तो हमारी अर्निंग होगी इसके बाद एनआईओ एस एज इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्स विथ एकेडमिक सब्जेक्ट स्किल एजुकेशन फॉर आर लर्नर्स दिस इज कॉल्ड अ पैराडाइम शिफ्ट नॉट ओनली जनरल एजुकेशन जनरल एजुकेशन विथ स्किल एजुकेशन जिसमें कि हमारे पास कुछ स्किल्स हो कुछ निपुणता हो कुछ हमारी क्षमता हो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकें हम किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का एक हिस्सा बन सके जिसमें कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो आइए आगे देखते हैं academic and vocational courses for providing skill education for our learners following is offered the learners taking online admission for secondary and senior secondary are offered one vocational subject along with the academic subject NIUS का ये अपना एक तरीका है कि कैसे वोकेशनल कोर्सेज को हम एकेडमिक कोर्स का एक हिस्सा बना सकें और कैसे उसको हम दोनों स्ट्रीम्स को एक साथ लेकर के चलते हुए किसी बच्चे को डिग्री प्रोवाइड कर सके द वोकेशनल सब्जेक्ट इज वन ऑफ द फाइव सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन कंपल्सरली एट सेकेंडरी लेवल एक सब्जेक्ट ऐसा होगा पांच सब्जेक्ट में जो वोकेशनल होगा और उसको हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें यह हमारा प्रयास है क्योंकि वो आगे जब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे तो उस वोकेशनल पेपर को उस वोकेशनल कोर्स को वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के रूप में गेन कर सके उसके बारे में जानकारी ले सके और उस पर्टिकुलर फील्ड में वो अपनी एजुकेशन को हायर एजुकेशन तक बढ़ा सके द वोकेशनल सब्जेक्ट कैन बी टेकन एज वन ऑफ द फाइव सब्जेक्ट और एज वन एडिशनल सब्जेक्ट कंपल्सरीली एट सीनियर सेकेंडरी लेवल ओके वही बात यहाँ भी कही गई है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे द थ्री वोकेशनल कोर्सेज दैट

तीन सब्जेक्ट्स जो है वो जनरल एजुकेशन का एकेडमिक एजुकेशन का हिस्सा बनाया गया है उसमें से तीन आप ले सकते हैं होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटीज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड योगा ठीक है तो ये तीन ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अपने एकेडमिक कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करके उसको आगे ले सक, पढ़ सकते हैं उसके बारे में और कैलकुलेशन ऑफ एडमिशन फी एज पर एन आई ओ एस नॉर्म्स जो एन आई एस का नॉर्म्स है कैलकुलेशन करने का फीस का उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा विल बी ऑफर्ड इन टू द सेम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन और इसे सेम एकडिशन क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ये ऑफर किया जा सकेगा फॉर प्रोवाइडिंग स्किल एजुकेशन फॉर आर लर्नर्स फॉलोइंग इज ऑफर्ड द थ्री वोकेशनल कोर्स होम साइंस विच आई टोल्ड यू अर्लियर अभी बताया मैंने पीछे होम साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी योगा विल बी कंसिडर्ड एज द एकेडमिक सब्जेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इन एडमिशन फी एज पर एन आई एस नॉर्म्स विल बी ऑफर्ड एट इन टू द सेम अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन तो ये इसलिए किया गया है ये, ये आ, इंटीग्रेशन करने का मकसद हमारा ये है कि कोई भी बच्चा कोई भी शिक्षार्थी चाहे वो जिस लेवल पे भी इस कोर्स को ज्वाइन करता हो उसे कैसे हम ये तीन सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकते हैं और उसकी जो सर्टिफिकेशन होगी सेम ए, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इसको ऑफ़र किया जाएगा ऐसा नहीं है कि ए आई में ही जाके उसे एडमिशन लेना है जो ए आई है वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे तो ये ये इंटीग्रेटेड अप्रोच एडोप्ट किया गया है जिसमें कि हमारे शिक्षार्थी जो हैं वो स्किल एजुकेशन के बारे में अवेयर हो सकें इक्विप हो सकें सुसज्जित हो सकें अपनी क्षमता बढ़ा सकें अपना योगदान दे सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें तो ये हमारे जो हैं नियम हैं और इसके आधार पर हमें जो है आगे बढ़ना है ये सुविधा हमें प्रोवाइड करना है द लर्नर्स ऑप्टेड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज सीनियर सेकेंडरी लेवल सल नॉट चूज एनी अदर वोकेशनल सब्जेक्ट फॉर सर्टिफिकेशन जैसे डाटा एंट्री ऑपरेशन हो गया अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन हो गया टूरिज़म फिजिकल एजुकेशन एंड योगा तो ये हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर जो है कंसिडर किया जाएगा आप इसमें से कोई भी पेपर ऑप्ट कर सकते हैं सेम अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी रहा अगर फी वगैरह की बात है तो उसके लिए कहीं आपने सेपरेट जो है ऐसा नहीं है कि हम हम्रेडिटेड इंस्टीट्यूशनस गए और वहाँ पे हमें फिर दूसरे वोकेशनल क्रेडिटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कोशिश की जा रही है एन के द्वारा कि कैसे आपको ये सुविधा प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा बना सकें प्रोफेशनली आप इतना सक्षम हो सकें कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज नॉलेज ले लें होम साइंस है हॉस्पिटैलिटी है योगा है कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर है ये सब सारी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप अपने करियर का एक हिस्सा बनाकर इसमें बहुत अच्छा आप अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और यही शुभकामना है कि आप सब लोग इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का हिस्सा बने क्योंकि एन का इसमें सबसे पहला कदम है कि सब सारी फैसिलिटीज इस तरह के कोस्ट डिजाइन को आपको ऑफर करती है और आप इसका बेनिफिट उठाएं। ओके धन्यवाद आपको